Hi guys, how are you doing? Hi Oreo baby. Hi. I know बहुत दिनों के बाद आया हूँ. I lots of love from Punjab. Thank you. Love back to Punjab. I'm good, Pushpa. Hi, Soumi. Hi. So, anyway, मैं ज़्यादातर इसलिए लाइव नहीं आता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है. आप लोग जानते हो, शायद ऐसे बकबक करता रहता हूँ, बट वैसे समझ में नहीं आता, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, तो इसलिए नहीं आता हूँ मोस्टली. बट आज बहुत दिन हो गए थे, मुझे लगा कुछ बातें हैं करने के लिए आप लोगों से, तो इसलिए लाइव आया हूँ. आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन, ऑल ऑफ यू, एंड यू नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर टू मी. तो आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि मैं मैसेजेस के जवाब नहीं देता हूँ, या जो आप लोग मुझे DMs करते हो उन पर ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ. बट ऑनेस्टली आई डोंट नो वॉट टू से एंड वॉट टू टॉक अबाउट, बिकॉज यू नो हम लोगों के लिए हम ये थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ें हो जाती हैं, कुछ एथिकल हो जाती हैं, कुछ हम बता नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए चुप रह जाते हैं. हाय. सो एनीवे, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी. पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे अभी वापस शोज वगैरह शुरू हो रहे हैं, नाटक के स्टेज प्लेस जो मैं करता हूँ, सो आई एम गोइंग टू कम टू लखनऊ सून ऑन 25th ऑफ दिस मंथ जुलाई. मैं वहाँ एक दो दिन के लिए हूँ, फिर मैं मंथ एंड में एक दो दिन के लिए पटना भी जा रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी कहीं कुछ कुछ और ऐसे ट्रिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा. मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि उन शहरों में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आप शो देखने आ सकते हैं मेरा, और अदरवाइज ऐसे भी अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं मिलूँगा आप लोगों से. एंड बाकी ओके, मैं किसी को तो लेता हूँ, रिक्वेस्ट आ रही हैं बहुत सारी. ओके सो Let's see who comes. मेरा नाम ले लीजिए, श्रेया शर्मा आपका नाम ले लिया मैंने. कोई आया नहीं, मैंने ज्वाइन तो किया किसी को या ये, लेकिन ये ऑनलाइन होने के काफी फायदे भी हैं. इस वजह से आप लोगों से बात हो पाती है, नहीं तो बात भी नहीं हो पाती. अच्छा, बैरिस्टर बाबू टू में आ रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ बैरिस्टर बाबू टू में. बैरिस्टर बाबू टू में मतलब पता नहीं उन लोगों की कुछ डील वर्कआउट नहीं हुई, या उन लोगों को शायद जो बेहतर लगा होगा उन्होंने किया होगा. बट आई एम श्योर दैट शो शुड रन. एक एक प्रोटेजी है हम लोगों की, हम लोगों ने मेहनत की थी उस शो में, खून पसीना लगाया था, तो उसका सीक्वल आ रहा है, उसका सीजन टू आ रहा है, इस बात से मुझे बहुत खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर देखें और सराहे उनसे. कैन यू प्लीज ज्वाइन प्रविष्ट एंड आंचल? हाउ कैन आई ज्वाइन प्रविष्ट एंड आंचल? आप मुझे बताइए, प्रविष्ट अपना कहीं अलग शूटिंग कर रहा होगा, आंचल कहीं अलग शूटिंग कर रही होगी. अब कैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना. चलिए देखते हैं कोई और ऐड करने के लिए कौन है. आप लोग रिक्वेस्ट देते हैं ऐड होने की, फिर उसके बाद अनेबल टू ज्वाइन हो जाते हैं, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि रिक्वेस्ट क्यों देते हैं. वंशिका, आई टुक योर नेम. सी आई एम अगेन ट्राई टू ऐड समवन.
सॉरी हाँ, सॉरी गाइस, कैन ऐड ऑरा, नहीं ऑरा भी शूटिंग कर रही होगी ना। कैसे कैसे हो काका सचुर चेहरी ना, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? अरे वाह क्या बात है, चलेगी। ओ थैंक यू थैंक यू, समवन इज सेइंग दैट आई एम लुकिंग स्मार्ट। सो एनीवे, अभी बहुत कुछ नया आपके लिए लेके आने वाला हूं मैं। आप लोग तो जानते ही हो मुझे, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि मैं एक्टर हूँ और अलग अलग कैरेक्टर्स करता हूँ। अब काका ससुर कैरेक्टर आप लोग ज्यादातर लोग उसको पसंद करते हो, उसको चाहते हो, बिकॉज वो कैरेक्टर ही बहुत लवेबल था। एंड आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि मुझे वो करने को मिला। बट उसके बाद फिर मुझे कुछ डिफरेंट कैरेक्टर करना था, तो मैंने फूल सिंह किया जो नेगेटिव था। अब फिर कुछ और नई नई चीजें आ रही हैं, काफी कुछ है, सस्पेंस है, स्टोर में है। बट मैं बताना तभी चाहूंगा जब मुझे लगता है काम दिखना चाहिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं कि नजर लग जाएगी किसी की, क्योंकि अपनों की नजर नहीं लगा करती, आप सब लोग मुझे प्यार करते हो, बट मुझे लगता है जब होगा तो दिख जाएगा ना। हमारी लाइन बहुत अनएक्सपेक्टेड सी लाइन है, हमारी लाइन ऐसी लाइन है कि उसमें समझ में नहीं आता। हम पहले साइन कर लेते हैं तो भी समझ में नहीं आता प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, फिर प्रोजेक्ट हो जाता है तो भी नहीं समझ में आता कि रिलीज होगा या नहीं होगा, आप लोग एक्सपेक्ट करने लगेंगे। तो इसलिए जब सामने आएगा तब सामने आएगा, बट होपफुली आप सब लोगों के प्यार से बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मुझे ऑफर हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम आ रहा है। आई एम रियली होपफुल। अभी कुछ दिन का टाइम है मेरे पास, कुछ दिन फुर्सत है। तो हाँ, उसमें मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा था। मैंने सोचा है कि मेरे पास कुछ कुछ थोड़ा टाइम है, आई हैव सम टाइम राइट नाउ। सो आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रिसाइटिंग, यू नो दैट आई राइट माई ओन पोइट्री इज ऑल्सो समटाइम्स। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आप लोग कुछ लिखते हो, अगर आपके पास कुछ पोइट्रीज हैं हिंदी इंग्लिश, केरला और मलयालम तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो आई वुड लव कि मैं वो भी कर पाता, बट हिंदी इंग्लिश में कुछ शॉर्ट स्टोरीज हों या कुछ ऐसी कविताएं जो आप मुझसे पढ़वाना चाहो, मुझसे रिसाइट करवाना चाहो, तो वो आप मुझे भेज सकते हो और मैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करके जो मुझे पसंद आएगी वो आप लोगों को डेडिकेट करूंगा और आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको भी मजा आए और जिसमें मुझे भी कुछ क्रिएटिव करने को मिले। फिर उसके अलावा एक आध प्लान्स और हैं मेरे, बट धीरे धीरे शुरुआत करते हैं आप लोगों से कनेक्शन के लिए। मैं शायद कुछ ऐसा भी सोच रहा था कि कुछ बहुत सारे लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि आप एक्टिंग क्यों नहीं सिखाते हैं, क्यों नहीं सिखाते हैं। तो मैं सिखाया करता था पहले फॉर सम टाइम, बट फिर अब टाइम नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है एंड पीपल कैन लर्न फ्रॉम वेर एवर दे आर, यू आर इन बांग्लादेश और पाकिस्तान और यूएस और आई डोंट नो फिजी और वेर एवर यू आर, यू कैन लर्न। सो आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट इट कि मैं एक ऑनलाइन, कुछ लोग जो एक्चुअली प्रोफेशनली एक्टर बनना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं इस आर्ट में, उनके लिए कुछ एक क्रैश कोर्स टाइप का 5-7 डेज का कुछ वर्कशॉप करूं ऑनलाइन। सो आप लोग में से कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, बट डेफिनेटली इट विल बी पेड बिकॉज मुझे भी टाइम निकाल के करना पड़ेगा। तो यू गाइस शो योर इंटरेस्ट, अगर मुझे लगता है कि काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, सो आई वुड लाइक टू डू दैट ऑल्सो फॉर यू गाइस। हाँ, अब किसी को तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत बक बक कर चुका हूँ अकेले, है ना, और अब मुझसे नहीं हो पा रहा है अकेले। हाउ डू आई ज्वाइन यू? चलिए, अरे वैदिक मधुशर मधुश्री, किस आप लोग भी आओ यार, ज्वाइन करो। किसी को भी करना हो तो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है।
ओके। हाय वैदिक, हाउ आर यू? आई मिस यू डूड। आई कीप वाचिंग योर बीत के जो आप इंस्टा पे डालते हो स्टोरीज और प्रोमोज, एंड यू आर डूइंग सो वेल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आइए, कोई तो आइए। कैसे ज्वाइन कराऊं? क्यों नहीं कोई ज्वाइन हो रहा? हाँ देखो, कोई तो हुआ ज्वाइन फाइनली। हाय, हेलो। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। नमस्ते, स्वागत है। कैसे नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? शैली? हाँ शैली, शैली। हाय शैली, हाउ आर यू? क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप हाँ कैसे लग मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अच्छा ही हूँ। और आपका काका कसूरी का बहुत पसंद है। अच्छा, बस काका ससुर पसंद है? ऐसा मत करो यार, और भी रोल्स देखिए आप लोग मेरे यहाँ, सिर्फ काका ससुर मत देखिए। काका ससुर अच्छे थे। हाँ लेकिन निमकी निमकी मुखिया भी देखते थे आप? हाँ, उसमें भी बहुत, अच्छा बट काका बहुत हाँ चलो। काका ससुर इंटरेस्टिंग था काफी, और काफी लंबा चला भी, तो उसमें बहुत सारे इमोशंस प्ले करने को मिले ऑनेस्टली, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा पसंद आया। बाय शैली, बिल्कुल बाय, ऑल द बेस्ट। आप प्लीज लीव करोगे क्या खुद? मुझे आता नहीं है। आइए 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 आइए। सो एनीवेज, ये पोइट्री वाला आइडिया कैसा लगा आप लोगों को, ये भी बताइएगा मुझे, है ना? और क्या बताना था मुझे? कुछ कुछ और भी बताना था आप लोगों को, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। अगर आपको याद आए तो मुझे याद दिलाइए कि मुझे क्या बताना था। हाय दीदी, प्लीज हैव अ गेट टूगेदर विद आंचल एंड प्रविष्ट। आंचल और प्रविष्ट सब मुझे भाव नहीं देते हैं। देखिए प्रविष्ट क्या है, अभी स्टार प्लस का शो कर रहा है, तो वो बड़ा आदमी हो गया। ओके, तो वो मुझसे बात भी नहीं करता, मेरा फोन भी नहीं उठाता है। और आंचल तो बड़ी आदमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो लड़की है, तो बड़ी लड़की हो गई है। ये लोग मुझे भाव नहीं देते। ज्वाइन कर दीजिए हमें भी। कैसे ज्वाइन कर दूं? आप लोग दिखते ही नहीं है यार मुझे। मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्वाइन कर लीजिए, बट ओके। ओके, आई एम अगेन ट्राइंग, आई होप इट वर्क्स। सर मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट है तो एक्टिंग के लिए मेहनत कीजिए, एक्टिंग सीखिए हमेशा। अगर आप कोई भी चीज सीख के जाएंगे तो उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले जानिए कि एक्टिंग होता क्या है, एंड सब लोग ऐसे ऐसे कभी भी नहीं उतरना चाहिए किसी भी चीज में। मतलब समुंदर में उतर रहे हो तो थोड़ा तो तैर लो, मतलब कम से कम पानी से थोड़ा तो खेल लो, तब उतरो। हाय सरन्या, हिरल अग्रवाल, एडमी। ओके चलिए ऐड करते हैं हिरल अग्रवाल जी को। दिस इज जी, आई लव यू, आई लव यू टू। हाय, आई हेलो सर, हाउ आर यू? यस एम गुड, हाउ आर यू? हीरल, राइट? हाय सर। व्हाट डू यू सो डू हीरल? बेसिकली सॉरी, हाउ आर आई एम यू? फ्रॉम मुंबई। आई एम यू आर फ्रॉम फ्रॉम मुंबई बॉम्बे? एंड ओके यस, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम IIIT इलाहाबाद, एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन पुणे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। वाह वाह वाह, मेहनत कश एंड इंसान है आप। एक्चुअली ऑल्सो टच में से मैं, पता चल जाना चाहिए था मुझे, लेकिन अरे मैं नहीं, समझ मुझे नहीं पाया। मुझे एक्चुअली चश्मा पसंद नहीं, लेकिन पहनना पड़ता है मजबूरी में।
ऑल्सो मेरे को आपको बस ये बताने का है कि मैं कतर से भी हूँ. सो लाइक माय पेरेंट्स स्टे देयर. तो मैं कतर की नेशनल टीम से क्रिकेट खेलती हूँ. सो बेसिकली अभी आई प्ले इंटरनेशनल मैचेस. अभी रिसेंटली एक मलेशिया में हुआ था एंड आउट ऑफ 10 टीम्स हम लोग क्वालिफाई तो नहीं कर पाए एशिया कप के लिए. नहीं तो अगर एशिया कप के लिए हम क्वालिफाई कर जाते तो हम इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट खेल पाते. वाओ दैट्स कमेंडेबल. मतलब ऑनेस्टली अभी आई एम नॉट सपोज टू से बट आई जस्ट कंप्लीटेड अ फिल्म. एक कुछ फिल्म में कुछ एक इंटरेस्टिंग सा कुछ कैरेक्टर कर रहा हूं मैं. तो उसमें आई एम प्लेइंग क्रिकेट कोच ओनली. एंड एंड आई गॉट टू वर्क विद सो मेनी इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स. मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिला. मेरी कुछ दोस्त हो गई हैं अच्छी. अगर आप जानते हो तो निराली है, हुज इट आई थिंक हुज फ्रॉम राजकोट, शी इज अ स्टार क्रिकेटर देयर. देन प्रिया इज फ्रॉम पंजाब. सो आई नो सो मेनी क्रिकेटर गर्ल्स नाउ. इट्स एंड आई लव वर्किंग विद देम. यू ऑल आर राइट. सो पैशनेट एंड इतनी मेहनत करके आप लोग आए हैं. वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई एम श्योर दैट अगेन ये चांसेस तो आते ही रहते हैं लाइफ में. यू हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट. यू विल गेट इट अगेन. एंड सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. एंड मी बेसिकली मेरी दादी जी ने मुझे बैरिस्टर बाबू से वो कराया था लाइक वाकिफ. एंड व्हेन आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ तब से आई गॉट एडिक्टेड लाइक एनीथिंग. एंड आई हैड केप्ट वॉचिंग इट अंटिल द एंड ऑफ द शो. एंड इट वॉज उस टाइम हार्ट ब्रेकिंग कि शो खत्म होने को आया था. बट येस दैट वॉज वन ऑफ द फेवरेट शोज. एंड मेरे को बस दादी जी की तरफ से भी मेरे को आपको बताना है कि शी रियली लव्ड योर रोल अलॉट. दादी जी को मेरा नमस्ते बोलिएगा. श्योर श्योर. यस सर. एंड थैंक यू. मैं आपका टाइम और नहीं लूंगी क्योंकि शायद बाकी लोगों को भी आपसे बात करना होगा. थैंक यू बट सो आई मच फॉर लव एडिंग. टॉकिंग टू यू. थैंक यू एंड कीप प्लेइंग एंड मेक अस मोर प्राउड. बाय. श्योर सर. श्योर सर. थैंक यू. आई लीव द कॉल. थैंक यू. या प्लीज बोला. थैंक यू. अच्छा जी, ओके. हाय, ओके. समवन रिक्वेस्टेड एंड देन डिक्लाइंड ऑल्सो. तो बॉम्बे में तो बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे. पता नहीं क्यों मैं अभी तक बॉम्बे ही बोलता हूँ, मुंबई ठीक से बोल ही नहीं पाता हूँ. हेलो, हाय, हाय सर. कैसे हो आप? अच्छी. क्या नाम है आपका? श्रद्धा. हाँ श्रद्धा. क्या करते हो आप श्रद्धा? पढ़ाई करते हो? अच्छा, सर कौन सी क्लास में? अच्छा, पॉलिटेक्निक कर रही फर्स्ट ईयर. कहाँ से हो आप? विदिशा. हाँ, विदिशा नहीं नहीं समझ में आ रहा. मध्य मध्य प्रदेश. सर प्रदेश. ओके. वेरी नाइस. आपको कुछ कहना है और नहीं? बाय बाय. आप लीव करोगे इसमें से? आपको आता है लीव करना? बाय. ओके, अभी मैं जरा पहले कुछ ये पढ़ लूं, नहीं तो आप लोग मुझे सब मारेंगे कि आप लोग लिखते जा रहे हो और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं. व्हेन प्लानिंग टू मलेशिया कॉल मी. हाँ, बुला लीजिए मुझे कुछ इवेंट्स के लिए या शोज के लिए, मैं आ जाऊंगा. अच्छा सोनम, यू ऑल्सो लव टू कॉल इट मुंबई, बॉम्बे. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. राजकुमार गुप्ता जी, देखिए मैंने आपका नाम ले लिया फाइनली. ओके, नाउ आई विल टेक समवन एल्स. थैंक यू.
When you planning to come to North Carolina, whenever you plan to call me. हाय निकिता, आपका भी नाम ले लिया सर। मैं आपको छोटी बहू सीरियल से फैन हूँ आप शालू। अच्छा नाइस, चलो काफी साल हो गए उस बात को। हाय काव्या, आई टुक योर नेम काव्या मूर्ति। हाय सलीना, हाय, I can't hear you. How are you? I am good. How are you? I क्या am नाम है fine आपका? and you? Sorry? Kiran Khan. Kiran Khan. Hina. Kiran Khan. हाँ जी. अच्छा जी. Kiran है, मैं Kiran. हाँ जी. Where are you from? मुझे यकीन नहीं था कि मेरी कैसे कैप्ट हो जाएगी. मैं पता नहीं क्यों आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। आपका जो वो मैं माइक कह है वो रही हूँ, शायद। मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरे कैस कैप कर लोगे. निमकी मुखिया देखती थी मैं, निमकी मुखिया. हाँ जी. निमकी मुखिया देखा था आपने? हाँ जी, ओके। तो आप माय मतलब फेवरेट ड्रामा. हाँ फेवरेट जी ड्रामा था? हाँ जी कहाँ से हो आप? फेवरेट फेवरेट पाकिस्तान. अच्छा आप पाकिस्तान से हो? पाकिस्तान में कहाँ से? हाँ जी लाहौर. पाकिस्तान लाहौर से हाँ हो? जी हाँ क्या जी बात है, लाहौर से हूँ. वही तो कह क्या रही, मुझे बात। यकीन नहीं था आप मेरी कैसे कैप्ट कर लेंगे. मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही फायदा है ये इंस्टाग्राम और ये सब जो डिजिटाइज्ड हो गया है सब कुछ। पूरा पूरा जो हिंदुस्तान या पूरा हाँ जी पूरी पूरी दुनिया, नॉट हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवरीवेयर, तो वी ऑल आर कनेक्टेड। हम सब जो है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सो अब आई हाँ. मतलब मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं हूँ, बट मैंने पाकिस्तान के बारे में आपको बहुत मैंने सुना है। ड्रामा देखा हाँ है. मैंने कहा आपको, मैं निमकी मुखिया में आपके सीन आते थे ना, वो मेरा ड्रामा जी, फेवरेट था, मैं रोज देखती थी. क्या बात है। मैं प्रोड्यूसर साहब को बोलूंगा, जब हम भी उसके प्रोड्यूसर थे और राइटर थे, वो हाँ जी, बड़े खुश होंगे। पाकिस्तान क्या से मैं बात, बोल रही हूँ. नाइस, हाँ जी दैट्स नाइस। थैंक यू. चलिए अच्छी बात है, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और सबको मेरा सलाम बोलिएगा घर पे, है ना? जरूर और जरूर. हाँ जी, एंड खुदा हाफिज। चलिए क्यों नहीं, ठीक है, जरूर तो होंगे, क्यों नहीं. हाँ जी, आपकी भाषा जो है ना, अच्छा. आपकी भाषा में थोड़ा सा लाहौरी एक्सेंट है, थोड़ा सा वो एक, तो आप अगर मुझे बहुत क्लियर नहीं बोलोगे ना तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब हर हर जगह का एक हाँ डायलेक्ट होता है, लहजा बोलते हैं हाँ जिसको जी उर्दू में। तो लहजा आपका जो है ना वो बड़ा ही अलग सा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई डोंट नो इफ यू नो, तो हम लोग भी शुरू से और मैं पंजाबी हूँ, लखनऊ का हूँ, तो इस वजह से उर्दू से काफी मेल जोल रहा है ना, मुझे वो भाषा बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा मैं निमकी मुखिया देखा है. सुना, ओके, निमकी मुखिया मैं बहुत सारे ड्रामा देखे, आपके सीन बहुत अच्छे लगे मुझे. आप थैंक ये यू समझे, हाँ जी, आप ये समझे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ पाकिस्तान से. वाह क्या बात, हाँ थैंक यू, जी थैंक यू लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक चलिए यू. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आपको पता है कैसे लीव करते हैं इसमें से? चलिए वो एक्टर है. बाय हाँ, बाय बाय। बाय बाय. हाँ जी, ये 1 मिनट रुके, गेम हाँ निमकी मुखिया. हेलो, ये कैसी भी हैं मैं आप? देखती थी आपका ड्रामा शौक से. अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, बड़ा सलाम वालेकुम, ड्रामा कैसी आपका हैं आप? आज थैंक ठीक यू, ठाक. बहुत अच्छे लग रहे होते हैं आप. बहुत 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 शुक्रिया, खुशी बहुत हुई मैं बहुत आपसे शुक्रिया। मिलकर. हाँ जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बाय हाँ जी, बिल्कुल, मैं बाय। बहुत खुश हुई आपसे बात करके. मुझे भी, हाँ मुझे जी, सब बिल्कुल हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे भी आप लोगों से बात करके।
अच्छा सुनिए, हेलो, हाय हाय हाय, आप मुझे जाने दीजिए, बाकी लोगों से भी बात करूं, नहीं तो सब मुझे गाली देंगे, मैं हाँ बहुत दिनों ठीक के है, बाद बाय। आता हूँ, है ना, बाय ठीक है, बाय। बाय। ओके हाँ, अच्छा कोई और आ गया, बाय। हेलो, क्या नाम है आपका? अपन लास्ट टाइम भी मिले थे एक बार। यार मेरी याददाश्त, वो बोलते हैं ना कि एलिफेंट की मेमोरी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो रिकॉर्डिंग अच्छा, तो आप मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे शायद याद नहीं होगा। हाँ, ओके एक साल पहले की बात है। एक साल पहले आप लाइव आए थे, मैंने घर में सबको बताया था कि बॉन्देता के जो चाचा ससुर जी, उनसे मेरी बात हुई। लकी ओके अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू, लकी मतलब हाँ, तो पापा वापस बता सकते हैं आप? मैं बुला रही हूँ उसको, मेरे भाई को। क्या कर रहे हो आप, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बस चिल कर रहा हूँ, काम कर रहा था, अभी थोड़ी कुछ दिन की फुर्सत है तो चिल कर रहा हूँ। हाय, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। सब आपको बहुत पसंद है मेरे घर में। हाँ, तो क्या बनना है आप? तो बड़े हो गए, बड़े इंजीनियर क्या बनना है? इंजीनियर इंजीनियर बोल रहा है। बनना है, शापोली गिराओगे? ठीक है ठीक है। यार बिजनेस करेंगे इंजीनियर बनके। ये बॉम्बे में मेट्रो का काम करवा दो, हमारा रोड्स की हालत खराब भी पड़ी है यार, कोई कुछ करवा दो। एनीवे अभी आज हाँ, की डेट में क्या कर रहे हैं आप? अभी आज की डेट में क्या कर रहे हैं आप? आज की डेट में मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और चिल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि चिल करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम चिल नहीं करते तब तक हम टीम की तरह उड़ नहीं सकते। बहुत ही घटिया जोक था, बट एनीवे, तो फिलहाल मैं चिल कर रहा हूँ और इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ नई चीजें शुरू हो रही हैं, बट बीच में देर इज अ टाइम जिसके मुझे जिसमें ना मेरे बहुत, पास थोड़ा समय। आप हमेशा मुझे एक बार में ऐड कर लेते हो। मैंने एक ही बार, मैं रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ, आप एक बार में ऐड कर लेते हो मुझे। माशाल्लाह मेरी किस्मत है, और क्या कहेंगे इसे। मेरी किस्मत अच्छा चलिए, आपकी होगी फिर, जैसा आपको ठीक लगे। पर बहुत अच्छा लगता है वो कुर्ता, और जो उसके ऊपर आप स्टोल यूज करते थे जो। काका ससुर की बात कर रही हैं आप? जी, चाचा ससुर जी की बात कर रही हूँ। ठीक, शुक्रिया अभी शुक्रिया। वो मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स जो हैं वो क्रिएटिव डायरेक्टर्स और जो चैनल्स हैं उन लोगों ने मिलकर, आपको डीएम कर दूंगी वीडियो अपना, जब लास्ट ठीक टाइम है हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आप ऐसे पोज मार रहे थे, वो अच्छा फोटो है। कहाँ से हो आप? मैं ओरिजिनली लखनऊ से हूं। ओके ओके, अब एक पोज मार दो, मैं स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करूंगी, आप ऐड जरूर कर लेना। यार मैं पोज कैसे मारते हैं अभी, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, ठीक है पोज है। एक मिनट, आप मुझे कॉन्शियस कर रहे हो जो कि काफी आसान होता है। ठीक ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। है चलिए, जय हिंद, किसी और को मौका देते हैं, और मैं भी थक गया हूं अभी बात करते करते, थोड़ी देर में भागना पड़ेगा मुझे। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी। यस बाय। ओके अच्छा ठीक है, हाँ अभी थोड़ी देर जरा ये पढ़ लेता हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं इतनी देर से कुछ देख ही नहीं रहा हूं। देर आर मोर पीपल, मैनी मोर पीपल हु वॉन्ट टू गेट ज्वाइंट।
ये जो टाइम होता है ना बीच का, जिसमें आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हो ऐसे 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 करके और ढूंढ रहे होते हो, उस टाइम में आप कितने अजीब से दिखते हो ना ऐसे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लखनऊ, हाय। ओके आई एम ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ बाय द वे। हाय आर्ची, ओके आई टुक योर नेम। Lots of love from Telugu fans. Wow, thank you. हमारे यहाँ गंगानगर राजस्थान में तो बारिश ही नहीं आ रही। अरे लो, गंगानगर नाम है और बारिश नहीं आ रही, ये तो चीटिंग है यार। आप बहुत बड़ी बड़ी फैन है मेरी, निकिता। थैंक यू निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लव फ्रॉम बिहार श्रेया, थैंक यू। पटना आ रहा हूं मैं इस मंथ एंड में एक दिन के लिए। ओके इसमें ना आप सब लोगों की भी आवाज आनी चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए ताकि मैं सबसे बात कर सकूं। भारती मौर्या, लव फ्रॉम दहानू। अरे दहानू तो यहीं पास में ही है, बॉम्बे में ही है। हाय हेलो सर, क्या हाय कीर्तना नाम है आपका? सर, हम पहले भी बात कर चुके हैं आपसे। अच्छा, तो मेरे पास सेम ही फैंस आ रहे हैं, कुछ नए नहीं ऐड हुए हैं, इसका मतलब सेम हाँ, ही लोग आ रहे हैं मेरे पास। हाँ लास्ट टाइम लाइव में आया था ना तेलुगु फैंस फ्रॉम हैदराबाद। यस 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 हाउ आर यू हाउ आर सर? यू डूइंग? हाँ आई एम फाइन सर। बारिश हो रही है आप लोगों के यहाँ? हाँ अभी भी हो रही है यहाँ पे। नाइस नाइस हाँ नाइस। यू लाइक इट? आपको बारिश अच्छी सर, लगती है? हाँ बहुत बारिश पसंद अच्छी है सर। लगती है? हाँ, बारिश में भीग के आइसक्रीम खाना तो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, और उसके बाद फीवर होता है तो कैसा हाँ नहीं लगता? सर, मेरा इम्यूनिटी पावर थोड़ा ज्यादा है, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ मैं। अच्छा है, करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी हाँ तो करना हमेशा चाहिए। नहीं, पर मम्मी के दांत पड़ते हैं ना तो कभी कभी कर देती हूँ ऐसा। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा कुछ नए काम की तैयारी कर रहा हूँ। एज एन एक्टर हम लोगों को बीच में जो टाइम मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, मुझे लगता है, बिकॉज देन यू कैन प्रिपेयर, यू कैन बिकम बेटर। अदरवाइज एक बार काम शुरू होता है तो टाइम नहीं मिलता है, हाँ सर, तो हम ये भी वेट कर रूटीन रहे बीच थे में आपका मुझे। लाइव का। आज हाँ हमारे यहाँ पे तेलुगु एपिसोड में बहुत इमोशनल सीन आया था, जहाँ पे और एंड एआरसी का जो डिवोर्स सीन होता है ना सर, जो रिवर्स फेरे ओके लेते, सात फेरे रिवर्स वाला, हाँ। वो सीन आया था। और आपका सीन तो, आपका वो जो एक्सप्रेशंस, बहुत हमारे आंखों में आंसू ही नहीं रुकती वो सीन्स देख के। मैंने तो थैंक आज भी यू। रोया था वो सीन देख के। बट ऑनेस्टली आप लोग को बताऊं तो मैं खुद भी करते वक्त भी मैं खुद भी रोया ही हूं, मैं रोता ही था ज्यादातर। मतलब वो इमोशंस जो थे शायद आप लोगों को इसलिए इतने पसंद है क्योंकि वो फेक नहीं थे। मतलब हाँ हम लोग को एज एन एक्टर कई बार क्या होता है कि हमें रियलिटी फेक करनी पड़ती है, हमें रियलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, एक फिक्शन बनाना पड़ता है, जो एक्चुअली मैं काका ससुर नहीं हूं और मैं काका हाँ ससुर जैसा भी नहीं हूं ऑनेस्टली। तो एक एक कैरेक्टर जब आप बनाते हो इधर उधर से लेके, लेकिन उसमें फील जो होता है वो असली डालना पड़ता है। आप हाँ चाहे जैसे भी सोच लो कि ऐसे चलूंगा वैसे चलूंगा, ऐसे बात करूंगा वैसे बात करूंगा, पर जो आंसू होंगे जो इमोशंस होंगे वो नकली नहीं होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, और मैंने वो करने की कोशिश की एंड आई थिंक दैट इज व्हाई यू गाइस लाइक इट। यस सर, दैट्स व्हाई वी लव यू अ लॉट। एक एक सीन ऐसा होता है कि वो जो एक्टिंग नहीं है, आप फील करके असल में ऐसा हो रहा है ऐसा लगता है हमको। मैंने नहीं वो बहुत सारे कैरेक्टर, हिंदी हाँ मैंने बहुत सारे हिंदी शोज देखे हैं, पर इस शो से और कोई अच्छा ही नहीं लगता अब।
बहुत साल पहले से मैं देखती थी, 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से. अब मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ और अभी तक जितने भी शोज मैंने देखा है इससे अच्छे मुझे कोई भी शो अच्छा नहीं लगा था. और इतना कनेक्टेड तो किसी शो के लिए नहीं हुआ था. और एक फैन पेज क्रिएट किया था मैंने. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारी पूरी टीम के लिए, सभी के लिए, मतलब चैनल से लेकर के प्रोड्यूसर से लेकर के टेक्निकल टीम के लिए, डायरेक्शन के लिए, एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. और आई फील रियली फॉर्चुनेट दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स नाइस. एक्चुअली कल मेरा एग्जाम था पर मैंने सोचा कि अगर एक चांस मिले आपसे बात करने का तो वो क्यों मिस करना है, इसलिए मैंने लाइव ज्वाइन किया था. अभी भी मैंने पढ़ा था पूरा और रिवाइज कर रही हूँ मैं. अच्छा, वाइवा वॉइस था कल. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो. थैंक यू सर. अगर हो सके तो एक बार प्रवी के साथ लाइव आ जाना सर, कभी हो सके तो. देखिए वो क्या है, प्रविष्ट इज शूटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, इज बिजी, है ना. सो पहले हम लोग बहुत ही रेगुलर मिलते थे क्योंकि हम शूट साथ में करते थे. अब दोनों अलग अलग जगह काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा मिलना कम हो पाता है. तो जब मिलते हैं हम, वी मीट डेफिनेटली, बट जब हम मिलते हैं तो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट कि फिर लाइव जाएंगे तो फिर हमारा अपना टाइम जो है वो चला जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन. सो दैट इज व्हाई मेनी वी नो इट, बट वो हम एक बार भी लाइव नहीं आया था. आपने एक बार कार में लाइव आया था ना, वही लास्ट था. हाँ. लाइव, इसलिए हम पूछ रहे थे कि अगर कोई मैं और प्रविष्ट हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं टू डू समथिंग टुगेदर, बट टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है. सो होपफुली सून यू गाइस विल सी समथिंग जिसमें हम दोनों साथ में होंगे वापस, बट लेट्स सी, इट विल टेक सम टाइम. थैंक यू सर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट अगेन. थैंक यू सर. अरे प्रविष्ट टाइम अबे आ जाओ प्रविष्ट, कहाँ है प्रविष्ट, कहाँ है कहाँ है आप, प्लीज आपको जाना पड़ेगा. आई डोंट नो हाउ टू सर, प्लीज सर एक बार तो ऐड कीजिए ना उसका साथ अगर हो सके तो. मुझे पता नहीं है वो कहाँ है. एंड यू विल हैव टू लीव ना, ओनली देन ही विल कम. ओके सर, अगर हो सके तो, अगर वो ऐड. ओके सर, थैंक यू सर. बाय. अबे कहाँ चला गया. प्रविष्ट है कविता. कहाँ हो, क्या कर रहे हो. अरे मैं घर पे ही हूँ अभी, मैंने देखा आप लाइव आए हो, मैं अब देखूँ क्या है. फिर आप जो जो बोले बोलते जा रहे थे मैं उस पे नीचे रिप्लाई करता जा रहा था. अरे यार वो दिखाई तो देता नहीं, इतना छोटा 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 सा सब होता है. हाँ, और प्रविष्ट के नाम से तुम्हें पता है 1,500 ग्रुप्स हैं. नहीं सॉरी, 1,50,000 ग्रुप्स हैं. प्रविष्ट प्रविष्ट एंथुसियास्टिक, प्रविष्ट मैटिक्स, प्रविष्ट सेक्सी, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो. तो वही मैं बोला कि आज आज हमारा एक प्रोमो शूट होने वाला था, वो मौके पर कैंसिल हो गया. ओके. तो फिर छुट्टी हो गई, मतलब ना होते हुए भी छुट्टी हो गई. वाह क्या बात है. तो आज तो मतलब ये फैंस जो हैं ये तो आज एकदम तो सब खुश हो जाएंगे यार, मतलब एकदम. अच्छा सुनो, तो मैं अभी लोगों को यही बता रहा था जिसपे तुमने अच्छा, बोला अच्छा, जवाब. एक सेकंड, अभी हम इस बात को भूलते नहीं है कि ये एक वीडियो कॉल नहीं है, हम बात कर रहे हैं seeing each other on a public forum. मतलब मैं एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था, पर नीचे जब मैंने पढ़े कमेंट्स मुझे याद आ गया. हाँ, 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 हाँ. तो लेट्स क्या करें, किसी और को ज्वाइन कराना है क्या. हाँ नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसे ही पहले बोल रहा हूँ, मैं एक सेकंड के लिए मैं भूल गया था. सो अ वेरी बिग हाय टू एवरीवन हु हैज जॉइंड. हाँ हाँ हाँ, वो कर लो जरा. और जो आप बोल रहे थे भैया कि कुछ करेंगे वो वाला, तो है मतलब हमने
उस पे कर देंगे। हाँ करना चाहिए अभी। हाँ कर ली। और बाकी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बहुत सही। मुझे आपके उस रूम में बैठने की इच्छा कर रही है वापस। मुझे सब वो सब याद आ रहा है वो तकिया वो कारपेट। तो आ जाओ। आता हूँ मतलब अभी नहीं आ रहा हूँ। अभी पापा हैं मतलब पापा अभी जस्ट आए हैं घर पे। हाँ अभी निकलूंगा तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मतलब मैं नहीं समझ सकता, मैं समझूंगा, मैं समझूंगा, मैं समझ के रहूंगा। चलो बढ़िया है। और अभी भैया क्या कर रहे हैं? आई आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट नाउ एनी मोर। डू यू नो व्हाट टू टॉक अबाउट? मुझे लाइफ में यही समझ में आता है बात क्या करनी है। अच्छा वही मैं मैं तुमको तो बोल रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आई डोंट नो व्हेन यू ज्वाइन, आई वाज टेलिंग ऑल ऑफ देम कि मैं मेरे पास थोड़ा समय है फिलहाल, तो मैं कह रहा था इन लोगों कि आपको अपनी कुछ कविताएं, अपनी कुछ शॉर्ट स्टोरीज या किसी और की शॉर्ट स्टोरी या कविता अगर मुझसे रिसाइट करवानी है तो यू सेंड मी, और मैं उसमें शॉर्टलिस्ट करके जो है आई विल मेक दोज थिंग्स। तो उससे क्या होगा कि मेरी भी क्रिएटिविटी थोड़ी सी होती रहती है एंड पीपल विल ऑल्सो लाइक इट, उनको भी एक मतलब प्लेटफॉर्म लाइक। प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा एकदम से, प्लेटफॉर्म हाँ मिल जाएगा। हाँ इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग। मस्त है। और भैया पर जनरली जो आप बनाते हो छोटे वाले वो अभी चालू कर लो। चालू कर दूं हाँ काहिली, काहिली समझते हो? एक एक होता है इंसान आलसी पूरी तरह से, तुम जानते होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुम अगर कभी मिरर में जाके देखो तो तुम्हें एक आलसी इंसान दिखेगा है ना, तो वैसा ही मैं भी हूं। जो बातें तो बहुत करते मैं मिरर में ही देख रहा हूं। अरे तुम तो जाते हो यार फिर भी कभी कभी वो सब अपना, तुम जो पोएट्रीज और वो स्टैंड अप जाके करते हो विच इज सो गुड यार, मैं तो कभी आप भैया हौसला ही वहां नहीं जाओ कर ना, पाया आप मैं आपको वहां का लिंक भेजता हूँ, वहां जाओ। आज क्या फ्राइडे है यार। ना? डर लगता है मुझे, मुझे डर लगता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाया तो लोग हंसी उड़ाएंगे, तो मुझे डर लगता है ऑनेस्टली। ठीक है आप जाओ बट तो तुम्हें भी लगा होगा ना पहली बार जब तुम गए होगे ऐसा कुछ करने के लिए। भैया। मुझे आज भी ऐसा नहीं कि नहीं लगता, अभी भी जाता हूँ तो लगता है यार कहीं कोई लाइन भूल ना जाऊं, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ और फिर वहां जाता हूँ तो वहां का भी माहौल एकदम अलग रहता है। वहां का मतलब हर जगह का एक वाइब होता है, तो वहां का भी एकदम अलग होता है। तो थोड़ा सा इट गेट्स यू नर्वस, बट ठीक है जाना तो पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है यार। और जो लाइव ऑडियंस का जो फील होता है, मतलब मुझे जो थिएटर में मिलता है जो लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है वो ऑनलाइन में वैसा तो नहीं हो सकता, मतलब दैट इज द थिंग यू कांट रियली गेट ऑनलाइन। बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग, बढ़िया है बढ़िया। सही है। मैंने मैंने बालों में तेल लगाया है, ओके तो ऐसे क्या मेरा मुख्य करूं, चेहरा तो मैं मसाज बाहर कर दूं? निकल लग रहा हूँ मैं। हाँ नहीं पता नहीं नहीं आज छुट्टी थी तो मैंने मम्मी ने फिर लगा दिया तेल। पता कुछ पता नहीं नहीं मैं चल क्यों रहा, बोल रहा हूँ, बट ऐसे कोई स्मेल भी नहीं आ रही है यहाँ पे, कुछ पता नहीं चल रहा तुमने बालों में तेल लगा है या नहीं लगा है। अरे वैसे ही लग रहे तुम्हारे बाल जैसे शूटिंग में लगते हैं या फिर सोके उठे हुए लगते हैं या फिर जैसे किसी ट्रिप पे लगते हैं, वैसे ही लग रहे। बढ़िया बढ़िया चलो और सही है। वैसे भी देखो तुम बाल कलाकार हो नहीं दोस्त, तुम कलाकार हो। मैंने इस बीच कई ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें मैंने बाल कलाकारों के साथ काम किया है ना, जो बाल से ही एक्टिंग करते हैं, तो इसलिए तुम बाल कलाकार नहीं हो। क्या आप हाल फिलहाल में कोई ऐसे प्रोजेक्ट में रहे हो जहां बाल कलाकारों के साथ काम कर रहे हो? मार खिलवाओगे नहीं बैरिस्टर में तो भैया जो मैंने बटुक में तो बाल कलाकारी की थी, बटुक थी उसमें तो, किसमें? बटुक जब मैं उसमें तो मैंने बालों से बहुत कलाकारी की थी। तो मैं आई मेंट दैट कि हाल फिलहाल में आपने नहीं कैसे नहीं किया था, नहीं आई मेंट बालों बटुक। की कलाकारी करना एक अलग बात है, लेकिन हाँ बाल कलाकारी मतलब कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ अपने बालों को लेके, तुम यार अच्छा मुझसे ना चुप करो पता नहीं, बस। नहीं नहीं मैं समझ नहीं था, मुझे लगा बालों की कलाकारी। तो मैं जो मेरे नहीं नहीं सवाल नहीं में कॉन्शियस मतलब कहने का मतलब ये, जैसे कुछ लोग अपनी नोज को लेके कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग अपने एंगल को लेके कॉन्शियस होते हैं कि मैं इस एंगल से अच्छा दिखता हूँ, तो अगर हम जब इन सब चीजों में ज्यादा रहेंगे तो हम एक्टिंग क्या खाक करेंगे, मतलब टू बिल्कुल फोकस टू फील अ कैरेक्टर
यू विल फील द कैरेक्टर ना, देन यू आई टोटली अंडरस्टैंड. हाँ, नहीं अरे भैया, मतलब मुझे लगा कि बाल से कलाकारी तो मैंने बटुक में की थी, इसलिए आशु द क्वेश्चन कि क्या आप हाल फिलहाल में ऐसे किसी प्रोजेक्ट में रहे हैं जहाँ पे आपने किसी बाल कलाकार के साथ काम किया, तो मुझे लगा कि आप मेरा नाम लेके बोलोगे बाल कलाकार. हाँ, बटुक में किया था, यही दो टूक सी बात यही है. बटुक वॉज नॉट अबाउट हेयर, वो तो हम लोगों ने वैसे शूट नहीं किया, मतलब दे हैव नॉट शॉट लाइक प्रॉपरली, लाइक जैसे वो टॉवल गिरना और वो सब जो शूट करना चाहिए, जैसे कि एंट्री जैसी होनी चाहिए थी, एंट्री होती है फिल्मों में संजय लीला भंसाली. मुझे आज भी जो मेरा बटुक एंट्री सीन है, जो बटुक काका को मिलता है, हाँ वो जो एक सीन था हमारा जो हमने क्रोमा पे शूट किया, नहीं क्रोमा पे नहीं, जो हमने टेम्पल के सामने जो ग्राउंड है वहां पे बारिश सी हो रही थी, वो शुरू होने वाली थी, और लो एंगल पे रख के जो मीटिंग सीन, मैं आपको हक करता हूँ, आप उठा लेते हो बटुक, उठाता हूँ मैं. वो मतलब एकदम ऐसे बहुत स्ट्रॉन्गली एज्ड, बहुत सारे सीन्स हैं उनमें से वो एक सीन है मेरा. बट एक बात माननी पड़ेगी, वो सीन जब हम कर रहे थे, डू यू रिमेम्बर, जब हम वो सीन कर रहे थे तो मैं मंगेश जी को, डायरेक्टर साहब को यही बोल रहा था कि सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ये तो इसके लिए, क्योंकि उन्होंने बाद में उसको थोड़ा इफेक्ट्स वगैरह डाल ली थे उसमें, तो मंगेश जी ने मुझे बोला था कि सर आप देखिएगा जब होगा ना, जब टेलीकास्ट होगा ना तब देखिएगा कैसा लगा. और जब टेलीकास्ट हुआ तो डेफिनेटली अच्छा लगा, मतलब हम लोगों ने तो जो इमोशंस थे अपने रखे ही थे, बट देखने में विजुअली आल्सो इट वाज उसका हमने क्रोमा में भी थोड़ा सा कुछ पैच वर्क हिस्सा कुछ तो किया था. राइट 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 एग्जैक्टली, इसीलिए मैं क्रोमा बोल रहा था, क्रोमा किया था हमने. एंड मंगेश जी हैड दैट आइडिया, मतलब उनको पहले से ही वो विजुअलाइजेशन था. मुझे याद है क्रोमा क्यों किया पीछे से, क्रोमा इसलिए किया है क्योंकि वो पीछे वो दिखाना था वाटर, नदी झरना और वो पूरा, क्योंकि वो लोकेशन अलग थी ना, वो नायगांव वाली. वो बटुक जब पहली बार आता है शिप से, ऐसे कुछ एक सीन, एक हमने जो होली वाला जो सीन किया था जिसमें हमने मेरे जहन में जब मैंने कहा कि वन ऑफ दिस सीन व्हिच इज एज्ड इन माय मेमोरी, मेरे जहन में अगला सीन होली वाला ही था. हाँ, अब वो होली वाले सीन में मुझे याद है कि हम लोग ने बहुत इम्प्रोवाइज किया था. मंगेश जी ने ना मुझसे बाद में, हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बोला सर ज्यादा नहीं हो गया. मैंने कहा कि ज्यादा तो हो गया है लेकिन बन के बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही बढ़िया बन गया. मतलब अभी कुछ दिन पहले गुड़ से मीठा इश्क में कुछ वैसा ही सीन शूट कर रहा था, मतलब थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन वाला, तो पंखुड़ी के साथ कर रहा था, तो मैंने उसको अपने सीन का एग्जाम्पल दिया पंखुड़ी को कि हमने किया था वो, एंड इट केम आउट रियली वेल, सो इट द सीन आल्सो केम आउट रियली वेल, बट दैट वाज समथिंग अलग ही, उसमें कुछ अलग ही था, ऐसे छूट गए थे हम. हाँ अच्छा सुनो भाई, ऐसा लगता है कि हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब अपने को निकल लेना चाहिए. मैं बहुत कॉन्शियसली मैं खुद को कहना चाह रहा हूँ पर मैं भूल जा रहा था. अब जो पहले 11 मैसेज होंगे उसको पढ़ते हैं और फिर मैं निकलता हूँ, फिर आप दूसरे लोगों को ज्वाइन करवा लो. ठीक यू कैन आल्सो रीड द मैसेजेस ना. हाँ. तो अब जो सबसे पहला मैसेज मैं देख रहा हूँ, इट सेज क्रश अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर रवि, हमारे साथ बात कर लो ऋषि सर, बाद में ऋषि सर से बाद में बात कर लेना. अब आपको दो शोज देखने हैं, एक गुड़ से मीठा इश्क और दूसरा बनीचा होम डिलीवरी. मतलब इसके पहले मैंने इसके पहले जितने भी लाइव सेशन थे उसमें था प्लीज वॉच बैरिस्टर बाबू, बट अब तो रिक्वेस्ट नहीं नहीं अभी भी बैरिस्टर बाबू सीक्वल आ रहा है भाई, मूवी देखे जरूर, अगर हम लोग नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी शो तो देखना ही चाहिए. बिल्कुल हमारी औरा है उसमें और भी लोग हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब कहानी तो वही बहुत है. मतलब शो जो है वो इतना, बैरिस्टर बाबू नाम ही इतना दिल के करीब है ना कि ऐसा लगता है कि यार बैरिस्टर बाबू नाम से तो मतलब आज से 500 साल बाद भी कोई फिल्म भी बने तो वो भी हिट ही होनी चाहिए, यू नो, द नेम इज सो क्लोज टू योर हार्ट. यार टोटली सो हां, सॉरी हम फिर से बातों में उलझ गए. अभी अगला मैं पढ़ता हूँ, सायदा मासूमा बीबी, हेलो प्रवेश, हाय सायदा,
फिर अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बस नाम ले लूँ। हाँ। चंदू आद्या इंचू आद्या अर्ज्या अर्ज्या नहीं आद्या आद्या अर्ज्या नहीं। अच्छा हाँ एक आद्या आई एम अच्छा अब इसमें नाम लेना आद्या भैया ना थोड़ा ट्रिकी हो जा रहा है, मतलब बहुत सारे नाम है और कुछ को नाम कुछ लेना मतलब। ही इसको, इन नामों का प्रोनाउंसिएशन इज सो डिफिकल्ट, मतलब हाँ कैसे लोगे। तनीश अंडरस्कोर के अंडरस्कोर 02 हाय, वही। पन्नत और कौर हाय। इसमें तो काफी सारे नाम ऐसे हैं जिनके स्टोरीज में ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार, रोज या 3 दिन में एक बार तो देख ही लेता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इनका लूँ और उनका ना लूँ तो बड़ा वो हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे हैं, तो सभी को लॉट्स ऑफ लव। और भैया हम जल्द मिलते हैं, करते हैं, हाँ अपन मिलते हैं और देन वील टेक इट फॉरवर्ड। डन डन। आप कंटिन्यू मैं करो, बात करना है भी मेरे को। रखूंगा ये भी, सबको बाय बोल के बाय। बाय। ओके तो आप लोगों की किस्मत से प्रवेश भी आ गया और हम लोगों की भी काफी बात हो गई। एंड नाउ आई टेक योर लीव। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट। ओके नाउ आई हैव टू। अब देखो बंद भी नहीं करना आता यार, किस तरह का आदमी हूं मैं।